गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी की रिमांड खत्म होते ही एटीएस ने मुर्तजा को दीवानी न्यायालय के एसीजीएम फर्स्ट दीपक नाथ मिश्रा के कोर्ट में पेश किया। यूपी एटीएस ने उसके ऊपर यूएपीए के तहत कार्यवाही की है। उसने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है और बताया कि मुर्तजा सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था। एटीएस ने मुर्तजा का केस लखनऊ ट्रांसफर कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अदालत ने केस को एनआईए को कोर्ट लखनऊ में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुर्तजा को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच मुर्तजा अब्बासी को जिला कारागार में भेज दिया। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मंदिर में जनता के सहयोग से उसको पकड़ लिया था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर तो केस दर्ज करके 4 अप्रैल को उसको कोर्ट में पेश किया और कस्टडी रिमांड मांग लिया, जिसकी रिमांड 11 अप्रैल को खत्म हो गई, जिसके बाद एटीएस ने केस को अपने अंडर में लेने के बाद मुर्तजा को दोबारा कोर्ट में पेश करके रिमांड बढ़ाने की अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने 16 अप्रैल तक रिमांड को बढ़ा दिया था। शनिवार को मुर्तजा अब्बासी की रिमांड खत्म होने से पहले ही एटीएस ने उसको न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने मुर्तजा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी और एनआईए कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। थोड़ा साइड साइड